ऑफ यू नमस्कार। या गायत्री मैम प्लीज स्टार्ट। यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार एवरीवन, मैं गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई दिशा के मंच पे। मैं नमस्कार करती हूँ हमारे मोदी सर को जो हमको ऊपर से आशीर्वाद हमेशा देते हैं। मैं उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं नमस्कार करती हूँ हमारी पूरी नई दिशा की कोर टीम को और जितने पार्टिसिपेट यहाँ पे मौजूद है सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज के मैं होस्ट हूँ, आपकी दोस्त हूँ। तो आज एक बहुत बहुत प्यारा टॉपिक, हाउ टू हैंडल कंप्लेंट्स, वो टॉपिक के ऊपर आज हमारे प्रेजेंटर है, बहुत प्यारे प्रेजेंटर है जय प्रकाश सर। तो जो मेरी प्यारी बेटी है ना, वो उनको सुपर फास्ट ट्रेन बुला दी है। वो इतना प्यारा बोलते हैं और इतना प्यार से, मतलब कहते हैं ना कि सुपर फास्ट, वो अपनी जो बातें रखते हैं ना इतनी सटीकता से, कहते हैं ना एकदम सटीक और एकदम सही और एकदम फटाफट होते हैं ना सुपर। वो भी नहीं देता है जी मैम, प्लीज आप म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक ओपन है। तो ये ऐसे प्रेजेंटर है लेकिन उनकी नॉलेज जबरदस्त है। कोई भी टॉपिक उनको दो ना, वो बहुत अच्छे से उस टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद है, उनको मेरी वाणी मुझे पसंद है और मैं जो शांति से बात करती हूँ ना, वो बात उनको मेरी पसंद है। लेकिन मुझे उनकी बात क्या पसंद है ये मैं आज बताना चाहती हूँ, क्योंकि आज मैं होस्ट हूँ, बहुत अच्छे से अपने आप को बोल पाऊंगी। वो एक जो भी टॉपिक हो उसके क्रम अनुसार, जो पहले आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, क्रम के अनुसार वो अपनी बातें रखते हैं। तो ये मुझे बहुत उनको उनकी बात मुझे पसंद है, है ना। तो सब में एक कुछ ना कुछ काबिलियत होती है, तो हर एक व्यक्ति काबिल है लेकिन उनकी काबिलियत क्या है ना, वो हमको पता होनी चाहिए। तो वो उनकी एक काबिलियत है ना, वो मुझे पता है, तो उसके ऊपर आज मैं बोलती हूँ। और मैं उनका हमेशा धन्यवाद करती हूँ और मैं बहुत प्यार से उनको सुनती हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना, हाउ टू हैंडल कंप्लेंट्स, के शिकायतों को कैसे संभाले। तो जिंदगी में अगर शिकायत कोई हमसे कर रहा है ना, कोई भी शिकायत हो, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या होता है, अगर हमको वो शिकायत का अगर हमको सॉल्यूशन देना है ना, तो बहुत अच्छे से सुनना बहुत जरूरी है। कोई हमको कुछ कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, ये हमको बहुत अच्छे से उनको सुनना चाहिए, हमको समझना चाहिए, फिर हमको उनका सॉल्यूशन देना चाहिए। अगर उनकी शिकायत वैल्यूबल है, अगर वो शिकायत देखिए बहुत बार शिकायत भी बहुत गलत होती है, गलत मांग होती है, लेकिन शिकायत सही है या गलत है, वो शिकायत क्या है उसके ऊपर डिपेंड होता है। और सॉल्यूशन हमको उनके ऊपर ही देना है, बहुत सोच समझ के उनका सॉल्यूशन देना है, अगर दे पाए। अगर अगर बहुत बार क्या होता है कि हर एक व्यक्ति की शिकायत, चाहे छोटे बच्चे की हो, चाहे हमारे फ्रेंड की हो, चाहे हमारे फैमिली की हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल क्षेत्र की हो, हर क्षेत्र में शिकायत का स्वरूप अलग अलग होता है, लेकिन उसका सुनने का तरीका, समझने का तरीका तो एक ही होता है। चाहे जो छोटे बच्चे की शिकायत हो खिलौने के लिए, चाहे फ्रेंड की शिकायत हो हमारे नोट्स के रिगार्डिंग, चाहे हमारी फैमिली की शिकायत हो कि हम अच्छे से
घर में हमारा टाइम नहीं दे पाते हैं, या फैमिली का बहुत सारा शिकायत होता है ना कि तू तेरा काम अच्छे से नहीं कर रहा है या कर रही है ना, तो ये शिकायत तो है ना हमेशा जिंदगी में हर रोज आती ही रहती है, और हर रोज कोई ना कोई स्वरूप में कोई ना कोई लोग करते ही रहते हैं, लेकिन हमको सुनना बहुत जरूरी है कि क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, और उनके ऊपर हमारा संभालना है ना, क्योंकि आज का टॉपिक है हाउ टू हैंडल कंप्लेंट्स। हमको शिकायतों तो कैसे हैंडल करनी चाहिए, शिकायतें आती है कुछ ग्राहक की भी, अगर हमारी शॉप है तो कुछ ग्राहक की भी शिकायत आती है, हम अगर हमारी बहुत बड़ी कंपनी चलाते हैं तो कंपनी में भी बहुत कलेक्ट की आती है शिकायत। तो आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी क्योंकि बोलने का आज है दायित्व वो हमारे जेपी सर का है, तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ, प्लीज प्लीज मोस्ट वेलकम जेपी सर, आइए और आप आज के टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। वेलकम वेलकम जेपी सर। थैंक यू, थैंक यू गायत्री मैम जी, क्या कहूँ, शब्द नहीं मेरे पास में, आपको इतने दिल से अच्छे मन से धन्यवाद करना चाहूंगा। पता नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं मेरे अंदर, और आपने मेरी प्रशंसा में आज इतना कुछ बोल दिया, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी। ये आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है। आज मुझे एहसास हुआ कि एक अपना कर्तव्य, अपनी रियलिटी को आप अपने हिसाब से बने रहिए, अपना काम करते रहिए, समझने वाले समझते हैं और न समझने वाले नहीं समझते हैं, और दुनिया में अगर आलोचक हैं, शिकायत करता है, तो आपकी सुनने वाले भी हैं और आपको सही न्याय देने वाले भी हैं। तो अगेंस्ट दिल से धन्यवाद करूंगा गायत्री मैम जी, और रियल में आपका साथ हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा, एक प्राउड मोमेंट है, बहुत बड़ा सहयोग है, और हम ये एहसास करते हैं कि मेरे साथ में एक अच्छी ग्रेट पर्सनालिटी, एक अच्छी शख्सियत है कि जो एक अपनी इस कमिटी में, एक समाज में, एक मानवता में एक अहम खासियत यानी कि अहम वैल्यू रखते हैं। तो रियल में गायत्री मैम, कई बार मैं सेशन बोला या फिर मैं कहता हूं कि रियल आपके अंदर कुछ ऐसा खास है कि जो हर किसी में नहीं है। आते हैं आज के टॉपिक पे। मैं जेपी सिंह यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत वंदनमंदन करता हूँ। इस मंच के क्रिएटर, हम सबके मेंटर गुरु डॉक्टर हितेश मोदी सर का दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, और ये वचन करता हूँ कि आपके इस योगदान के, आपके सहयोग के जीवन पर्यंत हम ऋणी रहेंगे। ये मेरी दिल से नहीं निकल पाएगा, चूंकि आप हमें कोई नहीं जानता थे, जाते वक्त जिंदगी में या अपने आखिरी पड़ाव पर हमें वो दे गए कि जो मेरी जिंदगी के लिए एक अहम पार्ट था और अहम जरूरत थी। नई दिशा परिवार के हम सबके, मतलब एक फैमिली मेंबर या जो भी सदस्य जितने लोग हैं, सबका दिल से धन्यवाद। बैकएंड पे जो काम कर रहे हैं, सर्वनंद के एल सर, सचकांत सर, दिल से धन्यवाद। यहाँ पर स्पीकर में या होस्ट कोस्ट या स्पीकर में जो भी अटेंडी में जितने लोग हैं, सबका दिल से धन्यवाद। और आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि नई दिशा में आते रहिए, यहाँ सीखने सिखाने की प्रोसेस में एक अपना जो योगदान बने वो करते रहिए, और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग आते हैं, हम सबका हौसला बढ़ाते हैं और अपना कीमती समय देके आते हैं, और कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की प्रोसेस में इस मुहिम में आप हमारा लगता सबका सहयोग करते हैं। नई दिशा परिवार जैसा कि एक पर्चे का मोहताज नहीं, आज ऑन पैसे कमिटी में एक अपनी अलग पहचान बना रहा है कि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित डेली अपने नियत समय अनुसार हम एक नए होस्ट के साथ, नए प्रेजेंटर के साथ में आते हैं, नए टॉपिक के साथ में आते हैं। हम लोग ये समझ पाते हैं कि प्रत्येक टॉपिक आज की जिंदगी में आम से खास बनने के लिए या आम तौर पर एक विशेष आदमी बनने के लिए, अपनी जिंदगी को सुचारू रूप से मेंटेन करने के लिए, अपने जीवन का महत्व समझने के लिए, जिंदगी का उद्देश्य समझने के लिए, यहां पर जो टॉपिक आती है, हर टॉपिक का अपना वैल्यू है, हर टॉपिक का अपना मीन्स है, हर टॉपिक का अपना एक उद्देश्य है। तो लिहाजा हम
समझ के अभाव में जाने अनजाने में टॉपिक का कितना वैल्यू समझ पा रहे कितना ही, ये मेरी सोच और समझ के ऊपर डिपेंड करता है। बट प्रत्येक टॉपिक कुछ ना कुछ वैल्यू रखता है, और यहां पर हमारे क्रिएटर डॉक्टर नीतीश मोदी सर ने इस बात पे ये चैनल क्रिएट किया था कि ये हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, जो हमारी आपकी वैल्यू बन गई है, हम सबके चहेते मिस्टर एस मुफारे सर ने जो कद बना दिया, वैल्यू बना दी है, जो हमारी आपकी सफलता हमें दिला दी है, उसको एज ए डिजर्व करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको एज ए उस लेवल को हम कवर करने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का सब मेरे ऊपर काम है। हमें कुछ नहीं करना, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को अपडेट करना, तो उसके लिए अगर एक कोई जगह है तो वो आज हम समझ पा रहे हैं एक सुटेबल और उचित और वैल्यूएबल अगर कोई जगह है तो वो टीम चैंपियन नई जैसा परिवार है। जो व्यक्ति जो लोग इस लेवल पर समझ पा रहे हैं तो वो समय दे रहे, उसको समझ रहे और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो और अपडेट कर रहे और रियल सिचुएशन से कनेक्ट कर रहे और रिलेट कर रहे। देखिए देखते हैं आज, जैसे कि आज का टॉपिक है बहुत प्यारा टॉपिक है, अभी गायत्री मैम जी ने बहुत कुछ बोला है, डिस्कशन में बताया, टॉपिक बहुत प्यारा है कि जैसा कि हमारे स्क्रीन पे दिख रहा, हाउ टू हैंडल कंप्लेंट, शिकायतों का निस्तारण हम कैसे करें, शिकायतों का निवारण हम कैसे करें, शिकायतों का हम निपटारा कैसे करें, हम कैसे भी कह लें, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर इस दुनिया में है, हम समाज में है, हम परिवार में है, हम व्यवसाय में है, हम राजनीति में है, तो ये जाहिर सी बात है कि मेरे सामने कहीं ना कहीं अगर हम कुछ करते हैं तो शिकायतें होंगी, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो सकता है बट शिकायतों का कभी भी ना आना कभी खत्म नहीं होगा। शिकायतें आएंगी, जीवन पर्यंत आएंगी और हर किसी से आती है शिकायतें, हमें भी किसी से शिकायत है, हमसे भी किसी को शिकायत है। आप जिस जगह होंगे, चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे एक, एक, एक गांव समाज के देश के एक नागरिक हो, हर जगह आप कुछ भी करते हैं तब भी शिकायतें हो, और अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो शिकायतें ज्यादा होती। अब जब शिकायतें हैं और शिकायतें आना वाजिब है, एक एक अधिकार है, शिकायतें होनी भी चाहिए, जब ये चीजें होनी चाहिए तो यहां पर एक चीज मेंटेन करती है कि हमें आपको ये चीजें समझ में होती है, शिकायतें हमारे आपके पास में आई, हमें डील करना, तो शिकायतों का मेरी नजर में लगभग में 50% से ज्यादा एक निस्तारण या निवारण तभी हो जाता है जब किसी व्यक्ति की आप शिकायत जो भी पोजिशन पे हो, चाहे वो घर की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे व्यापारिक हो, किसी भी कंडीशन में हो, बट उस शिकायतकर्ता की अगर आप दिल से उसके मनोभाव के हिसाब से अपनी स्वरूप और रूपरेखा बना के अगर दिल से सुन लेते हो तो ये बात की गारंटी है कि 50% ज्यादा वही शिकायतें आपकी खत्म हो जाती है। बट ये समझने के शिकायतकर्ता है कौन, वो बच्चा है या यूथ है या बुजुर्ग है, महिला है, पुरुष है, परिवार का है, घर का है, समाज का है, व्यवसाय का है, ठीक, ये और ये हमसे उपेक्षा क्या रखता है, हमसे उम्मीद क्या रखता है, और किस समय पे किस मनोभाव से लेके आया, और इसके ये शिकायत का ये समय ये हाल क्या होगा या किस हालात में लेके आया, अगर इन चीजों को जज के अगर आपने शिकायत को सुन लिया तो ये 50% से ज्यादा शिकायत उसी समय खत्म हो जाती है, सामने वाले का दर्द खत्म हो जाता है, सामने वाले को कहीं ना कहीं ये रिलैक्स फील कर देता है कि हमने अपनी बात कह ली, अब हम फ्री हो गए और मेरा ये निपटारण होता ही है। जब सिचुएशन को समझने के बाद में कभी कभार मुद्दा ये होता है कि दो पक्ष की ऐसे भी होते हैं, तो वहां पर सिचुएशन दोनों पक्ष को सुनना है और उसी मनोभाव के साथ में सुनना है कि जिस मनोभाव से वो आपसे अपनी बात रख रहा है, और रख रहा है तो इस भाव से अगर सुन लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि उसने बहुत उम्मीद से और दिल से बात रखनी चाहिए हताश में, उदास में या दुखी होने के, और आप यूं ही वो दुख होके रख रहा है और आपने यूं ही हंसी में ले लिया, मजाक में ले लिया, इग्नोर वे में ले लिया, तो फिर वो दिल से संतुष्ट नहीं होगा, अपनी बात कह देगा लेकिन वो उसको रिलैक्स मिलेगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। बात को सुना, रिलैक्स मिला, और सुनने और समझने के बाद में अब एक चीज होती है कि निस्तारण कि यहां पर एक चीज मायने रखती है कि आपने उसकी शिकायत को सुना और सुनने के बाद में वो इस शिकायत के बदले में आपसे चाह क्या रहा था, ये भी बात समझनी होती है, और आप उसको देना क्या चाह रहे हो निस्तारण में, ये भी बात सुननी होती है, और उसके बाद में उसको चाहिए क्या, आज के लिए उसके लिए बेनिफिट किया है और 4 दिन बाद के लिए, भविष्य के लिए किया है, ये बात यहां पर मनन करनी होती है, यहां पर डीकोड करनी होती है, यहां पर समझनी होती है।
अगर वो उसने कहा जिस मनोभाव से उसकी बात सुन ली, आज को उसको रिलैक्स दे रहा वो हिसाब से और इन फ्यूचर के लिए उसको, तो निस्तारण देने के साथ साथ उसको एज ए समझाना, उसको डील करना और वो बात रखने के बाद में जो हम न्याय दे रहे उसके बारे में उसको समझाना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हम उसको देख ही नहीं रहे, उस एक मानसिक उसको शांति दे रहे, मानसिक उसको एक रास्ता दे रहे, मानसिक उसको एक हम निवारण दे रहे, ये बातें जब समझने में होती है। अब इस लेवल पे और इसके साथ साथ उसको इस लेवल से समझना होता है कि उसको मेंटली सबसे पहले उसको प्रिपेयर करना, मजबूत करना है कि जो भी हालात है मैंने ये निवारण दे दिया, ये न्यायालय इसका ये पड़ा में ये रिजल्ट करना है, बट इसको आप कैसे कवर करोगे, आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे क्या रहेगा, आज के लिए बेनिफिट या इन फ्यूचर के लिए, आपके परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के, वो व्यक्तिगत मुद्दे के ऊपर एक डिपेंड करता है। अब समझ में आती है, हालांकि एक न्याय की अलग प्रक्रिया है, जैसे कि आज हम देखते हैं कि देश दुनिया में संविधान के कोटंगे के भी न्यायालय हमेशा रहे, न्याय हर जगह मिला, सुनने वाला भी रहा, सुनाने वाला। आज देखा जाए सरकारी तौर पे उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय से लेकर उच्च न्यायालय नॉर्मल न्यायालय हर जगह खुले हो, जज सुनते हो, वकीलों के माध्यम से बात सुनते हो, उनको न्यायालय मिलता है, बट दोनों दिलों की, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है। आज के दौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक जो मेरा मानना है कि ज्यादातर एक न्यायालय मिलता है काय पे, एक साक्ष्यों पे डिपेंड हो गया उसके हिसाब से। हाँ, मेरी निजी तौर पे ये मानना है कि कोई भी हो, चाहे हम जज बन के बैठे, चाहे हम सामाजिक मुखिया हो, चाहे परिवार के मुखिया हो, चाहे व्यवसाय में हो, किसी पद प्रतिष्ठा पे हो, लेकिन वहां पर एक बात होती है कि वो आदमी रियल में उसके मनोभाव से वो जिस हिसाब से बात रख रहा है और रियल में उसके फैक्ट क्या कह रहे हैं, उसकी दशा क्या कह रही है, उसके शब्द क्या कह रहे हैं, शब्दों की गहराई क्या जा रही, हमें यहां पर जाना होता है। और ये जाने के बाद में फिर ये समझ लेने की बात, और जब न्याय करते वक्त दिए कि हो सकता है इस जगह पर शिकायत करता मैं होता तो इस समय मुझे उचित न्याय की क्या जरूरत थी, ये बात जिस दिन दोनों जगह अपने आप को पक्ष रख के और न्याय देने की अगर गुंजाइश सकते हैं तो न्याय मिलता है। आप डिफरेंसेस शिकायत करता हो सकते हैं, डिफरेंसेस हमारे जीवन में शिकायतें होंगी, डिफरेंसेस लोग आएंगे, डिफरेंसेस टाइप की होगी, अलग अलग तरह की होगी, तो ये जब हम समाज में किसी भी जगह पे जहां भी है वहां हर शिकायत का एक सुनने का तरीका एक ही होता है, बट उनको एक न्याय देने की या उनके निस्तारण के तरीके अलग अलग होते हैं, बट सबसे ज्यादा उनको सुनना और एक समझना। अब हमने देख लिया जैसे व्यक्तिगत जीवन की बात है, तो व्यक्तिगत जीवन में मेरा निजी तौर मानना है कि कोई भी हो, अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पे आपसे अगर कोई बात रखता है तो ये बात सबसे बड़ी जाने कि उसको व्यक्तिगत ही रखा जाए, उसकी शिकायत को, उसके निस्तारण को, उसके निवारण को, और उसको आपने जो सोल्यूशन दिया उसको। अगर वो सामाजिक है और सामाजिक के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरी ये बात सामाजिक में जानी चाहिए तो उसको समाज तक ले जाइए, यानी व्यक्तिगत सलाह से ज्यादा, व्यक्तिगत निवारण से ज्यादा कोई सटीक नहीं हो सकता है। अगर वो नहीं जाता, भले ही वो सामाजिक, अगर सामाजिक में हमने वो बात को डिस्प्ले कर दिया, हमने उजागर कर दिया, तो फिर भी उसके दिल और दिमाग में कहीं ना कहीं एक ठेस पहुंचती है, वो अनकंफर्टेबल महसूस करता है, मतलब अलग में अपने आप में रियलाइज नहीं कर, रिलैक्स नहीं कर पाता है, ये बात समझ में। हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, अगर हम कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, हम कोई फर्म चला रहे हैं, वहां पर की एज ए एम्प्लॉयमेंट, एज ए कर्मचारी की अगर कोई शिकायत है तो हमारी फर्म की, हमारी कंपनी की, हमारे प्रोफेशन की जो नीतिगत जो नीतियां होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उनको शिकायत करना और उसी के अकॉर्डिंग हमें उनका सोल्यूशन देना और निवारण सुनने के बाद में उनके जो मानक होते हैं दंड देने के या न्याय देने के या उनको बेनिफिट देने के, उनके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। इसके बाद में अब आती है घर परिवार की। घर परिवार में भी मेरा ये निजी तौर पर मानना है और ज्यादातर मैंने ऐसा देखा है कि घर परिवार में किसी भी दो पक्ष में हो जाती है, दो लोगों में हो जाती है, बच्चों में हो जाती है, बच्चों की माँ में हो जाती है, भाई भाई में हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में हो जाती है, दोनों पक्ष की सुनो, अगर ऐसे बात नहीं बनती दोनों पक्ष की सुन लो, वहां जो उचित लगे दोनों लोगों के सामने बात वहां समझाने की वहां समझाइए, लेकिन अगर एक एक बात कुछ ऐसी पर्सनली है तो हर व्यक्ति की अलग अलग जाके बाद में भी समझाया जा सकता है, तो दोनों लोगों को या तीन लोगों के जो भी जितने लोग हैं उनको कवर किया जा सकता है, क्योंकि इंसान निवारण से ज्यादा ये चाहता है हमेशा कि हमारी बात सुनी गई, हमें न्याय मिला नहीं मिला, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इससे डर रहता है कि मेरी बात की, मेरी फीलिंग की, मेरी इज्जत का कहीं बखेड़ा ना हो जाए, फालूदा ना बन जाए, या जगजाहिर ना हो जाए, या हम हंसी के पात्र ना हो जाए, ये इंसान को बहुत प्यारा होता है। इंसान को
कुछ मिले ना मिले बट इज्जत बहुत मिलनी चाहिए, इज्जत का बहुत देखता है। और जब भी कोई आदमी शिकायत रखता है या न्याय की उम्मीद रखता है तो एक आपको अपना सब कुछ समझता है तब वो अपनी बात रखता है, एक बात ये रही। दूसरी बात है कि हो सकता है कि व्यक्तिगत कोई शिकायत लेके आए वो मेरे ही से शिकायत हो, तो ये समझने होती है कि ये मेरा व्यक्ति कौन है और मैं क्या हूं, मेरा इसके प्रति फर्ज क्या बनता था, मेरा दायित्व क्या बनता था, हम प्रोफेशन में है, हम समाज में है, हम परिवार में है, या उसका क्या बनता था। हो सकता है कि हमसे चूक हो रही है तो गलती तुरंत मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, या उस जगह गलती मानने की सुटेबल समय नहीं समझ रहे तो जब उसे समझ रहे हैं बट गलती मान लेनी चाहिए। आदेश ज्यादा, पहली बात तो उसकी बात सुन लिया फिर गलती एक्सेप्ट कर ली, और नहीं है अगर वो ये चाहता है, वो मेरा चाहता है कि ये गलती इनकी है और वो नहीं समझ पा रहा, तो उस समय हाँ भाई ठीक है मैंने गलती मान ली, ये हो गया इसका। इसके बाद में हम कह सकते हैं भाई गलती तो मेरी नहीं लेकिन तुम्हारी सिचुएशन देख के मैंने गलती एक्सेप्ट कर ली, लेकिन रियल बात ये थी यहाँ आपसे चूक हुई, यहाँ मेरे से चूक हुई, हो सकता है एक दूसरे को समझने में कहीं चूक हो रही हो, एक दूसरे को समझने में चूक हो रही है तो गलत फहमियां पैदा हो जाए, गलत फहमियां पैदा हो जाती तो वो गलत रूप ले जाती, गलत रूप ले जाती है तो शिकायतों का रूप हो जाता, शिकायतों का रूप हो जाता तो कहीं ना कहीं वो फिर संबंधों में डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऐसी भी चीजें आती है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि संबंध बिगड़ने से पहले किसी व्यक्ति ने आपसे शिकायत करी, उस शिकायत में ये गुंजाइश रहती है कि संबंधों को कवर किया जाता है, शिकायत को सुनने के बाद में सारा निस्तारण किया जा सकता है गलती करने से पहले। गलती एक जाने अनजाने में अगर चूक से हो जाए तो वो गलती हुई, जानबूझ के अगर कोई गलत है, एक बार हो जाए दो बार तीसरी बार मैं कहता हूं उसको बदतमीजी मान के, और उस हिसाब से अपनी तरफ से एक बार एक अलर्ट एक सचेतक या संकेत उसे दे देना चाहिए कि आपको इस हिसाब से मेंटेन करना है, नहीं दोबारा ये चूक होनी नहीं चाहिए, अगर होती है तो फिर आपका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। फिर भी लड़ने की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए, हमारी आपकी ट्यूनिंग नहीं बन रही है, चाहे वो मेरा कर्मचारी हो, मेरा परिवार को हो, मेरा समाज का हो, मेरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बस वो अपने तौर पर एक चेतावनी के तौर पर उसको हिदायत देना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब विवाद विवाद की स्थिति में आने से पहले हमें ये कर लेना चाहिए और साफ सुथरी बात रखने से पहले है कि इन केस फिर अगर हमारे साथ में वो अगर कोई बदतमीजी करता है, गलत करता है, गलत कदम उठाता है, तो उसको हम एक अपनी एक अच्छे नागरिक की तरह, जिम्मेदार नागरिक की तरह, इंसानियत के नाते हम अपनी बात रख सकते हैं। इन फ्यूचर में उसके खिलाफ हम अपना एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र होते हैं, और जब कोई पंचायत या फैसला की बात होती है, न्याय की बात होती, तो हमसे कोई बात नहीं रख पाता। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अगला कदम उठाते हैं। अब सील ये सिचुएशन सबसे ज्यादा बड़ी बात ये कि हम कभी जीवन में ये सोच लें कि शिकायतें नहीं होंगी, ये इम्पॉसिबल है। शिकायतें तो हर आएंगी, जीवन है सुबह से लेकर शाम तक शिकायत आएगी। आज के दौर पे शिकायत अगर देखा जाए, इंसान को भगवान से भी शिकायत है, बेटे को पिता से शिकायत है, पिता से मतलब पुत्र को शिकायत है, हस्बैंड वाइफ शिकायतें तो एक दूसरे की, ये दुनिया है, ये जिंदगी है, ये समाज है, तो शिकायतें तो रहेंगी, शिकायतें आने वाजिब। शिकायत रहने से क्या एक दूसरे पे जब वो क्लियर होती है तो एक जिम्मेदारियां बढ़ती है और विश्वास बढ़ते हैं और रिश्तों में गहराइयां भी आती हैं। हाँ जब कुछ करते तभी तो कोई चूक मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमियां ये पे जाती है तो कहीं ना कहीं हो जाती है, और बाई दफे गलती भी हो जाती है तो ये शिकायत वाजिब बनती है और गलती को सुधारा जा सकता है, शिकायत को सुना जा सकता है, उनको हैंडल किया जा सकता है। बट एक चीज बस सबसे अहम जो मेरी मैं समझ पा रहा हूं जहां तक, अलग अलग और वक्तव्य अभी आए, बहुत सारे सभी लोग स्पीकर आएंगे अपने अपने दिमाग से बताएंगे, अपने अपनी समझ से बताएंगे, मेरा नोजी तौर मानना है कि शिकायत करना को उस समय मनोदशा को बहुत समझना होता है, शिकायत करता के उद्देश्य को बहुत समझना होता है, शिकायत करता के उस समय उसके सिचुएशन को बहुत समझना होता है, और समझने के बाद में सुनना, और सुनने के बाद में ये जरूरी नहीं कि अगर उसकी दिमागी हालात ठीक है, समझने की स्थिति में या और इस लेवल की समझ रखा है तो उसी वक्त अपनी बात रखनी, नहीं उसकी सुनने के बाद में ठीक है हम समय मिलते हैं हम अगली बार आपसे बात करते हैं या कुछ समय बात करते हैं, ये बात अगर रखने से तो हो सकता है कि कुछ समय बाद उसके दिमाग में जो आवेश या ग्रेसोपन जो होता है वो कुछ कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसने अपनी बात रख दी तो आधी बात इसी में खत्म हो गई, और कुछ समय बाद कही फिर उसका दिमाग ठंडा हुआ, अगले ने सुनी चलो कुछ देर मेरे को कहते नहीं पूरी बात तो कुछ और हल्की हो गई, उसके बाद आराम से कोई बात कह सकते हो, वो सुनेगा स्वीकार करेगा और एक्सेप्ट करेगा और जीवन में फॉलो भी करेगा और मानेगा भी। ये सारी चीजें हम अपनी सूझबूझ इतने विवेक से अगर ये हम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक शिकायतों का निवारण करने में किसी हद तक बिना लालच के बिना दबाव के बिना प्रेशर के हम लोग किसी हद तक एक कामयाब रहेंगे, ऐसा मैं जहां तक समझ पा रहा हूं आज के टॉपिक के हिसाब से। एक समय के अनुसार हमने अपनी बात आप तक पूरी
पहुंचाने के प्रयास किया बिना किसी किताबी ज्ञान के, बिना किसी ये खुद का एक जीवन का एक अनुभव अपनी सूझबूझ से मैंने आपके सामने सबको मान बात परोसी प्रेजेंट करी। इसमें जो भी आप समझ पा रहे हो आई थिंक उम्मीद है कि आप लोगों को काफी कुछ मिला होगा, और शेष जो भी टॉपिक में अगर कमी रही है तो आज हमारे बहुत सारे स्पीकर हैं वहां पर, वो आएंगे और बताएंगे और टॉपिक को पूरा करेंगे। इसी के साथ अपनी बाड़ी विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, ओवर टू गायत्री मैम जी। माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग कहते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना कि अपनी बात रखना एक बहुत अच्छे से आना चाहिए सभी को, और हमारे जेपी सर है ना उसमें माहिर है। माहिर क्या है, एक्सपर्ट है। बहुत अच्छे से कोई भी टॉपिक हो ना, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ते वो सब कवर कर दिया आपने, सब मतलब सब। तो आपने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, लेकिन सभी ने क्या समझा है, क्या सीखा है, क्या सुना है, ये आज हम लोग सभी की शेयरिंग के माध्यम से हम सुनेंगे। तो देखिए, मैंने तो बहुत कुछ सुना, समझा और सीखा आपकी शेयरिंग से। आपने जो प्रेजेंटेशन दी ना, कि शिकायत करने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनकी मनोदशा को समझ के ही आपका ओपिनियन देना चाहिए, ये हमेशा सभी को याद रखना है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी छोटा बच्चे से लेके अबाल वृद्ध, आपको क्यों शिकायत कर रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर ही आपका ओपिनियन वहां देना पड़ेगा। क्योंकि मैं ये क्यों समझ पा रही हूँ, मैं एक जनरल काउंसलर हूँ, तो काउंसलिंग में सभी की शिकायत ही होती है, और शिकायत को ही सुनना होता है, और वो व्यक्तिगत रखना पड़ता है। क्योंकि काउंसलिंग का पहला नियम है कि जिसका काउंसलिंग करे ना, उनकी बात सिर्फ उन तक ही रखनी पड़ती है, ना ही हम पब्लिक कर सकते हैं कि मैंने इस व्यक्ति का काउंसलिंग किया, उसको ये शिकायत थी, ये प्रॉब्लम से वो जूझ रहे थे, मतलब वो पब्लिकली हम नहीं बोल सकते हैं। तो शिकायत कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, अगर उनकी मर्जी है तो ही हम किसी और को बता सकते हैं, वरना नहीं बतानी चाहिए। और हमसे अगर समाधान हो जाए, हम उनका समाधान करने के लिए सक्षम है, तो हमको समाधान कर देना चाहिए। लेकिन जो शिकायत करता व्यक्ति होता है ना, उनको पता होता है कि हाँ मेरी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और मुझे कुछ सॉल्यूशन भी मिलेगा। ये व्यक्ति जानता है कि सबसे वो अपनी दिल की बात नहीं शेयर करता है, क्योंकि शिकायत एक तो मैं बहुत अच्छे से कहती हूँ, शिकायत अपनों से होती है, परायों से नहीं होती है, एक निजी जीवन में। और शिकायत राजनीतिक में भी होती है शिकायत, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में भी होती है शिकायत। कुछ ना कुछ हमको अन्याय हो रहा होता है ना, तब शिकायत होती है ना। जब अन्याय होता है ना किसी के साथ, तो उनको शिकायत होती है कि मेरे साथ ही क्यों। तो ये व्यक्ति का एक स्वभाव होता है शिकायत करना, ये मेरा मानना है, क्योंकि व्यक्ति करता ही है शिकायत, चाहे बच्चा अपनी माँ से करता है, कोई भी किसी से जो जिसके साथ जुड़ा होता है ना, उनसे शिकायत करता है। हम बहुत बार भगवान से शिकायत कर देते हैं, हम कुदरत से भी शिकायत करते हैं कि जब भी मेरी कहते हैं ना कि जब भी मेरी बारी आती है तभी नेटवर्क चला जाता है, ये भी हम नेटवर्क से भी शिकायत करते हैं। हम लाइट चली जाती है, हम उनसे भी शिकायत करते हैं, वो तो हमारे हाथों में नहीं है। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि ये मानवीय स्वभाव है। लेकिन कोई किसी से शिकायत करता है ना, कोई व्यक्ति से, वो हमेशा बहुत शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और फिर उनका हो सके तो सॉल्यूशन देना चाहिए। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ।
तो हमारी प्यारी प्यारी शाहिन मैम को मैं इनवाइट करती हूँ, क्योंकि शाहिन मैम है ना, वो अपनी जिम्मेदारी बहुत बहुत बखूबी निभाती है। और आज जो हम ये मंच चला रहे हैं ना नई दिशा का, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पूरी कोर टीम का तो है ही है, लेकिन उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं पहले उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम शाइन मैम, आइए, आपका स्वागत है। शाहिन मैम, आप मुझे सुन पा रहे हो मैम? शायद शाहिन मैम मुझे सुन नहीं पा रही है। कोई बात नहीं है, तो मैं विकास श्रीवास्तव सर को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। क्या मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे बता सकता है मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस बिल्कुल यस आ आ रही रही है है मैम, आपकी आ रही है। आवाज। आपकी ओके आवाज डन। बिल्कुल आ रही है मम्मी। ओके, तो मेरी बिटिया रानी आप ही आ जाओ। आज आपका ही होस्टिंग था, लेकिन मुझे मिला है। तो प्लीज मोस्ट वेलकम संपा सरकार मैम, आइए, आपका स्वागत मैम। अच्छा, मेरा प्रेजेंटेशन था तो मैं वाह, थोड़ा लेट हो जाऊंगी, इसलिए मैंने मना कर दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू जेपी जी, बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट आपका प्रेजेंटेशन, आपने सारे कुछ कवर कर दिया। और मम्मी तो पहले सारे कुछ कवर कर दी थी, अब मुझे तो लगा था मम्मी का ही सेशन है, फिर मम्मी रुक गई, मम्मी आपको बुला लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को ही, बहुत अच्छा आपने सब कुछ बता दिया। क्योंकि शिकायत जो है ना, सभी ने कहा शिकायत, हम सबको, सब सारे इंसान को शिकायत है, लेकिन अगर किसी के ऊपर शिकायत है वो कैसे हैंडल करते हैं, ये एक बात है, लेकिन हम कैसे शिकायत को हैंडल करते हैं ये अलग बात है। क्योंकि हम, हमारे पास अगर कोई कॉम्प्लेन आए, जो इसी ने मुझे ऐसा किया, उसी ने मुझे ऐसा किया, या कोई भी कुछ भी हो, उसके बारे में अगर कसूर हमारा नहीं है तो हम बहुत अच्छा जज बन जाएंगे, अगर कसूर हमारा होता है तो हम बहुत अच्छा वकील भी बन जाएंगे। तो सब अपने अपने जो शिकायत करते हैं वो अपने आप को ही फ्रेश मानते हैं, जब मेरा कोई गलती नहीं है। तो ऐसे शिकायत हर किसी से कोई शिकायत करता, हम भगवान से भी बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं हम इंसान। मुझे कोई अपने काले रंग के लिए शिकायत करता है, कोई अपने छोटे कद के लिए शिकायत करता है, कोई अपने काम के लिए शिकायत, टाइम शिकायत ही करते रहते। एक इंसान भगवान से बोलते हैं, जब भगवान मुझे बड़े आदमी क्यों नहीं बना रहे, मुझे क्यों पैसे नहीं दिला रहे, मुझे लॉटरी लगवा दे, हर दिन भगवान को गालियां भी देते हैं, आप मुझे लॉटरी नहीं दिलवा देते। एक दिन सच में भगवान प्रकट हो गया, बोले तू पहले लॉटरी का टिकट तो काट, उसके बाद तू शिकायत करना। तो हम कभी कभी ऐसा होता है इंसान बिना सोचे समझे भी शिकायत कर लेते, तो उसका हमें शिकायत को कैसे, उसको देखना है, उसको कैसे हैंडल करना है कॉम्प्लेन को। जैसे प्रोफेशनल लाइफ में हम जहाँ काम करते वहीं पे बहुत सारे शिकायत आते हैं, कभी कभी हमारे गए थे, तो बहुत सारे लोग हेलो, अभी ये मेरा आ जा रहे, जी मैम, आ रहा है आपका आवाज। ओके तो मैं ओके म्यूट थैंक होते जा रही थी ना,
मेरे ख्याल जी से। जी जी तो ये बहुत सारे लोग आते हैं शिकायत करने के लिए। मैं इस गाड़ी को हर दिन 2 मिनट लेट से जाता है, मैं इस गाड़ी को पकड़ सकता हूँ, लेकिन आज फुल टाइम से चला गया। हमारे लिए नहीं रुक सकते, हम इतने लोग जाएंगे तो ऐसे शिकायत का हम कैसे हैंडल करें। फिर कभी ऐसे शिकायत भी आते हैं जो इस गाड़ी आज लेट क्यों हो गया, कभी शिकायत आता है गाड़ी क्यों जल्दी गया, टाइमली क्यों गया, कभी शिकायत आता है गाड़ी लेट क्यों गया। तो ऐसे हर एक सिचुएशन में हमें अगर पब्लिक डील करना है तो हमारा दिमाग को भी ऐसा शांत रखना है, चारों तरफ देखना है, क्योंकि जब किसी इंसान को अगर एक पब्लिक डील करने का नौकरी मिलता है ना, तो उसको पहले साइको टेस्ट लिया जाता है जो पब्लिक के साथ कैसे डील करेगा। तो हमारा भी ऐसे ही साइको टेस्ट लिया गया है। एक इंसान गाड़ी में जा रहे थे और एक इंसान बाहर खड़ा था, तो गाड़ी और बाहर जो रास्ते में पानी कीचड़ भरा था। तो ऐसे ही जो गाड़ी वाला है, उस गाड़ी के चलने से उसका जो कीचड़ है वो जो बाहर खड़ा था उस इंसान को जाके लगा था। तभी गाड़ी वाले इंसान को क्या बोलना चाहिए और बाहर खड़ा हुआ जो इंसान है उसको क्या बोलना चाहिए, ऐसा टेस्ट। तो जो गाड़ी वाला था वो अगर बोले जो आई एम वेरी सॉरी, मैं गाड़ी का स्पीड समझ नहीं पाई या कंट्रोल नहीं कर पाई, और बाहर वाला इंसान जो बोलेगा जो इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ध्यान से चलिए चलाइए, ऐसे लोगों को और भी प्रॉब्लम हो सकता है बहुत सारे लोगों को। तो अगर ऐसा दिमाग में रहेगा तो ही वो साइको टेस्ट में पास हो सकते, नहीं तो गाड़ी वाला बोलेगा अभी तू इधर क्यों खड़ा था, और वो बोलेगा वो पत्थर उठा के गाड़ी वाले को मारने जाएगा, तो वो बिल्कुल फेल हो गया। तो हमको कंप्लेन को हैंडल करना आना चाहिए हर एक इंसान के लिए, क्योंकि कंप्लेन हमारे पास हर टाइम हर समय हमारे पास आता है, किसी भी हो, हम काम के क्षेत्र में हो या भगवान के हो या बच्चे का हो फैमिली का हो सबका है। तो मैं छोटी सी एक कहानी बोलूंगी, बचपन में मैंने पढ़े थे। जो एक राजा एक दिन सोच रहा था अपने सभा में बैठ के, मेरी पैर में धूल मिट्टी क्यों लगता है, सबको पूछा आप राय दीजिए धूल मिट्टी क्यों लगता है। एक ने बोले हाँ महाराज आपके पैरों में धूल मिट्टी लगता है, ठीक है चलो इसको झाड़ू से पूरा दुनिया को साफ कर दो। सारे लाखों लोग लग गए झाड़ू से साफ करने, चारों तरफ धूल धूल, बतास में हवा में सारे तरफ धूल मिट्टी, सबको छींक खांसी आ गया। वो और एक इंसान बोला अरे सब लोग तो खांसी में मर जाएगा, तो एक काम करिए, और एक इंसान बोले एक काम करिए पानी से धो दीजिए। सारे नदी नाले की सारे पानी लेके लोग आए, वो भिस्ती लोग जो छाक में लेके पानी भरते हैं वो लोग आए, वो लोग सारे नदी का पानी सूख गया और जो सूखा जगह के इंसान पानी में डूब गया और मछली बस बिना पानी के तड़प रहा था, ऐसा हो गया, सबका सर्दी खांसी हो गया। बहुत सी लोग बहुत सी सुझाव दिया है। फिर अब एक मोची आया, मोची आके मुस्कुरा के राजा के पैरों तले बैठा और अपने चमड़े का एक जूता बना के राजा को पहना दिया। बोले महाराज धूल को मिटाने के लिए पहले अपना पैर को ढकिए, तो ही आपके पैर में धूल नहीं लगेगा। तो ये जूता आविष्कार का पहला पड़ाव ये हमें
बचपन में पढ़े थे हमने, तो ये कहानी सिर्फ जूता आविष्कार नहीं है, ये मतलब अपने अंदर पहले झाको, किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उस जगह अपने आप को रख के देखो, उसके बाद ही उसका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। यही कहानी का सार मर्म है। अगर कंप्लेन को हम हैंडल करना चाहते हैं तो कंप्लेन जो कर रहा है वो क्या बोल रहा है उसको पहले सुनो, फिर उसकी जगह अपने आप को रख के अगर सोचो तो ही आप वो सुलाव कर सकते हो। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, बहुत टाइम ले लिया। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। यही है, हमेशा कंप्लेन करना बहुत जरूरी होता है। समय के अनुसार हम कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं, उनको अगर उनको हैंडल करना है ना, तो उनको हैंडल बहुत अच्छे से करना चाहिए। ये हमारी संभा मैम ने आज बताया कि सॉल्यूशन मतलब कंप्लेन है ना, उनका सॉल्यूशन है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन कंप्लेन करना एक बात होती है, और जो हैंडल करता है किसी की कंप्लेन को, उनको सॉल्यूशन पे पहुंचना बहुत आवश्यक है। जब तक वो अपने आप को वहां पे नहीं खड़ा करेगा या नहीं खड़ी करेगी, तब तक वो सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। तो शिकायत भी व्याजबी होनी चाहिए, तभी उनका सॉल्यूशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी कहानी भी की, और कंप्लेन एक बहुत शुरुआत में आपने बहुत अच्छा बोला कि कंप्लेन अगर हमारे खिलाफ है तो हम बहुत अच्छे से जज कर देते हैं, और कंप्लेन अगर हमारे खिलाफ नहीं है, किसी और के खिलाफ है, तो हम बहुत अच्छे से वकील बन जाते हैं। तो यहाँ मेरा ये कहना है कि अगर कंप्लेन हमारे खिलाफ है किसी की, तो हमको उनको शांति से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर हमारी हम कहीं गलत है ना, तो सॉरी बोलने से भी कभी चुकना नहीं चाहिए, और हमको भी अपने आप को सही करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच हमारी संपा मैम, बहुत प्यारा आपने आज बोला और एक कहानी भी बहुत अच्छी सुनाई। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, अगर हमारी साहिन मैम अगर कंफर्टेबल है, नेटवर्क में है, तो मैम प्लीज आइए, आपका स्वागत है मैम। शाहिन मैम शायद कहीं बिजी है, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ हमारे राकेश कुमार मिश्रा सर को मैं इनवाइट करूंगी, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। जी मैम, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। मैं राकेश कुमार मिश्रा, इंडिया, अपनी फैमिली से, इस फैमिली को हम बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि नई दिशा फैमिली हमारे जीवन की बहुत बड़ा अंग है। वैसे अब आज का टॉपिक के ऊपर आते सीधे कि शिकायतों का निपटारा कैसे हो, बाकी में बहुत ही गूढ़ रहस्य है। इसको बहुत ही सही मन से, बहुत कोमल हृदय से रखना चाहिए, क्यों नहीं तो शिकायतें इसी की वजह से होती कि कोई किसी को सुनता नहीं है। आज के व्यक्तित्व का विषय बहुत ही गंभीर है, और यदि इस पर सूक्ष्म तरीके से विचार किया जाए तो यह विषय बेहद गूढ़ है। शिकायतों का सिलसिला इतना लंबा है कि मानव अपने संपूर्ण जीवन में शिकायतों से चौतरफा घिरा हुआ है, जिनका निस्तारण वह अपने जीवन काल में कभी कभी तो करने में भी असफल हो जाता है। शिकायतों का प्रारंभ हमारे जीवन काल में प्रारंभिक क्षणों से ही हो जाता है, जब हम शिकायतें करने के योग्य भी नहीं होते हैं, किंतु हमारे अंत मन में शिकायतें दफन होकर रह जाती है। फिर जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो शिकायतें माँ बाप से होती हैं, भाई बहन से होती हैं, और वैवाहिक जीवन में पति व पत्नी से भी होती हैं। मानव इसका निराकरण करने का अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करता है, किंतु वह इसमें पूर्णतया सफल है, इसका कोई मापदंड नहीं है। शिकायत का निस्तारण भी शिकायतकर्ता को संतुष्ट प्रदान करता है। यह कह पाना अत्यंत कठिन है कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तो तभी माना जाता है जब हम शिकायत
कर्ता पूर्णतः संतुष्ट हो, और यदि जीवन काल में मानव को अपने निर्माता भगवान से भी है न्यायालय में शिकायतों का अंबार लगा है, इनमें दोनों पक्षों की शिकायतों का निस्तारण किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, एक व्यक्ति की शिकायत मिटती है तो दूसरे पक्ष की शिकायत रहती है कि इसके साथ सही नहीं हुआ, मन चाही इच्छा की शिकायतों का निस्तारण किसी भी तरह से संभव नहीं है, जब मन पूर्णतः संतुष्ट हो जाए तो उसी स्थिति में शिकायतों का निस्तारण किया जा सकता है, और मन की संतुष्ट मानव मात्र के लिए असंभव नहीं है तो कठिन अवश्य है। ऐसे ही हमारी ऑन पैसिव कंपनी भी है, अब हमें इस पर भी थोड़ा चर्चा करना चाहिए कि हमारे एसर ने कितना नहीं किया सबके लिए, बहुत कुछ करा, कितने लोगों ने इसमें शिकायतें करी, कितने लोगों ने क्लिच करी, कितनी समस्याएं आई, लेकिन फिर भी वो सभी को संतुष्ट करते हुए, निपटारा करते हुए, किसी को ना समझते हुए भी लोग उन्होंने शिकायत संतुष्ट की नहीं, और वो आगे बढ़ लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, कभी हमें महीना, कभी दो महीना, कहीं दस दिन करके उन्होंने बढ़ाया, क्योंकि हर चीज में कुछ समय तो लगता ही है, क्योंकि न्यायालय में अगर आप आए तो न्यायालय चाहे आप लोअर कोर्ट में जाए, चाहे सेशन कोर्ट में जाए, चाहे हाई कोर्ट में जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, और चाहे राष्ट्रपति के पास दया याचिका में भी जाए, ये सारी स्थितियां जब तक हम आपस में सहमत नहीं होंगे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सहमति ही बहुत बड़ी, अगर सहमति बन जाए तो शायद हमें इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं पड़ सकती है। अगर दो पक्ष जब भिड़ते हैं तो कहते हैं अगर एक पक्ष ने जरा सी भी शांति रख ली तो शायद हमें न्यायालय या दूसरे में कहीं न जाना पड़े, क्योंकि सहमति हमें जब ही बन सकती है कि जब हम कूल माइंड होंगे, क्योंकि कहते हैं किसी ने एक पत्थर मारा, किसी ने दो पत्थर मार दिए, अगर किसी ने एक पत्थर मारा तो हम शांत हो गए, सर जी आपने पत्थर मारा गलती से आगे, हमने पत्थर को हटा दिया, तो वो शिकायत होगी ही नहीं, क्योंकि ये शिकायतें ही अपार है, अपरंपार है, जिनकी हर एक दिमाग की उपज है, कौन किससे क्या शिकायत करता है, और शिकायतों को संतुष्टि तो भगवान से भी लोग कर जाते हैं और उनका निराकरण भी नहीं होते, और भगवान से लोग घृणा भी करते हैं, तो हम लोग तो बहुत साधारण मनुष्य है, कि हमारे बस अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ओवर टू होस्ट मैम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा कहा आपने सर कि आज कोई शिकायत सुनने वाला नहीं है, शिकायत सुनता है लेकिन उनका आंसर देने वाला बहुत कम है। तो आपने ये बात बहुत सही बोली कि बहुत बार हम लोग शिकायत करते हैं लेकिन सुनी नहीं जाती है, किसी के पास वक्त ही नहीं है। तो ये भी बहुत आपने सही बोला। और हमारी ऑन पैसिव, देखिए ऑन पैसिव तो अपना कर्तव्य निभा रही है, और मिस्टर एस सर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो बेस्ट टू बेस्ट हमको प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा देना चाहते हैं, तो उसमें समय लगता है, तो वहाँ समय के अगेंस्ट हमको कंप्लेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा भविष्य यहाँ बदल रहा है, हमारा भविष्य यहाँ बदल रहा है, हाँ यहाँ हम आए हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए, और हमारी कंपनी हमको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाने के लिए ये मेहनत कर रही है। तो उसके अगेंस्ट कहते हैं ना कर्मदाता, सॉरी जो हमारे दाता होते हैं, जो हमारा जो पालनहार होते हैं ना, उनके अगेंस्ट कभी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, ये हमको सिखाया जाता है, हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि जो हमको जो देता है ना, जो देनार होता है ना, उसके अगेंस्ट कभी कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। तो हमको हमारी कंपनी के अगेंस्ट कभी कंप्लेन करनी नहीं चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपका माइंड ब्लोइंग शेयरिंग रहा। तो मैं अभी आगे बढ़ती हूँ, और यहाँ हमारे बीच में एक बहुत प्यारी हस्ती है, मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम कपिल गुंजकर सर, आइए आपका स्वागत है सर, मैं आपको इनवाइट करती हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए, ओपी टीम चैंपियंस नई दिशा, और आज का जो प्रेजेंटेशन था ऑब्वियसली बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने रखा सारी चीजों को। ये सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में नहीं, लेकिन हमारे काम के इधर भी ये सारी चीजें हमारे काम आने वाली हैं। और इन सारी चीजों में ना एक चीज तो है कि सामने वाला व्यक्ति अगर मतलब कंप्लेंट मतलब तकरार लेके आ रहा है,
तो उन्हें दो चीज जैसे उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा, या तो वो आपसे आपके प्रोडक्ट या फिर आपके सर्विसेज से नाखुश है प्रोफेशनल लाइफ में, या फिर पर्सनल लाइफ में वो चाहता है कि क्योंकि उनका लगाव है आपके साथ प्रोफेशनल में भी, मतलब मैं अगर डोमिनोज में जाता हूँ, इतने साल से मैं डोमिनोज से पिज्जा ले रहा हूँ, और एक दिन अगर उनका सर्विस अच्छा नहीं है या फिर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो मैं कंप्लेन करने का हकदार हूँ। अगर वो नहीं सुनते तो ऑब्वियसली उनका एक कस्टमर जाएगा। ये प्रोफेशनल लाइफ का एग्जाम्पल है। पर्सनल में भी इसी प्रकार से कोई अगर कंप्लेंट करता है कि कपिल तू ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा है, ये आधा अधूरा काम कर रहा है, तो क्योंकि वो मेरे नजदीक के लोग हैं और शायद मैं सच्चे में कुछ गलत कर रहा हूँ या काम कर रहा हूँ, इसलिए वो चाहते हैं कि मैं सुधरूं, इसीलिए वो कंप्लेंट कर रहे हैं। हाँ, जैसे उन्होंने प्रेजेंटेशन में बताया था जयप्रकाश सर ने और गायत्री जोशी जी ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है उनके शेयरिंग में, कि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए करते हैं, तो उनके मनोस्थिति हमें समझनी होगी। अगर हमें समझ में आ रहा है ये सिर्फ कंप्लेंट करने के लिए करते हैं, क्योंकि कुछ लोग होते हैं उनको सिर्फ कंप्लेंट ही करना होता है, तो उनको हम बहुत ही शांत तरीके से उसको दूर करें या फिर उस सिचुएशन से हम अलग हो जाएं, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओवर टू यू गायत्री मैम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात बोली मम्मी। मम्मी जी, यस यस, बोलिए बोलिए। थैंक यू कपिल जी, आपको नई दिशा में बहुत बहुत स्वागत है। हम चाहेंगे आप ऐसे ही हमारे साथ हर दिन 6:30 बजे मंडे टू फ्राइडे जुड़ते रहे। ये हमारा अच्छे डॉक्टर इंद्रिश मोदी जी का ही एक सपना था, जो सबका पर्सनालिटी को डेवलप करना है, सबको लीडर बनाना है। तो इस मंच पे आपका हार्दिक स्वागत है। आप ऐसे हमारे साथ आते रहिए, जुड़ते रहिए, बात करते रहिए। ये हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ही सेशन लेते हम, और अनपैसिव का भी हम अपडेट देते रहते। हमारा जो माइंड ब्लोइंग सिस्टर शाहिन हसन जी हमेशा ही अपडेट देते रहते हैं, और अब जानते ही होंगे बहुत अच्छा यूट्यूबर है जो हमारे साथ बहुत मेहनत से हम ये प्लेटफॉर्म चला रहे। आप सबका सहयोग की बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल जी, वेलकम। शाहिन जी, आप अवेलेबल हो तो प्लीज आइए। बिल्कुल सपा मैम जी, जी जी जी, आवाज आ रही है मेरी? यस यस मैम, आ रही है। थैंक गॉड। बिल्कुल, गुड इवनिंग एवरीवन, पैनलिस्ट एंड हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं और हमारे जितने भी आज नए गेस्ट हैं, जैसे कि मैं अभी देख पा रही हूँ कपिल जी यहाँ पर है, या जितने और भी लोग हैं, क्योंकि अभी कपिल जी ने बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनको सुन करके भी। और बिल्कुल सही कहा संपा मैम ने, ऐसे ही आप लोग आते रहिए हमारे नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। और रही बात गायत्री मैम, आपने बुलाया, मैं कंटिन्यू यही हूँ, लेकिन आपको मेरी आवाज नहीं आती, शायद वो कुछ कनेक्टिविटी इशू आ रहा होगा। तो एनीवेज, चलो अभी तो कनेक्ट हो गए, बात हो रही है। सो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्विटेशन के लिए, कि आपने बुलाया दो शब्द कहने के लिए, क्योंकि अभी देखा जाए तो कुछ कहने के लिए बचा नहीं। आज जेपी सर वाला डायलॉग याद आ रहा है मुझे, कहने के लिए कुछ बचा नहीं है मेरे पास, तो वाकई में नहीं बचा, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से जेपी सर ने अपना प्रेजेंटेशन दिया, एक एक पॉइंट को कवर कर लिया, मतलब के बच्चे से लेके बड़ा, बड़े से लेके ऑफिस, और ऑफिस से लेके घर, और घर से लेके परिवार और कर्मचारी, एंड ऑल वन टू ऑल, जिस तरह से वो एक के बाद एक नॉन स्टॉप बोल रहे थे, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और मुझे लगता है रही सही कसर जो है वो गायत्री मैम ने अपनी होस्टिंग में कवर अप कर ली। मुझे बहुत अच्छी होस्टिंग कर रही है गायत्री मैम, सुपर। और क्या होता है ना, होस्टिंग का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप जो लोग आपके बात बोल करके जा रहे हैं उनको आप किस तरह से, मतलब उनकी बातों को ले रहे हैं और उसको आप कैसे दोबारा से उनके एक शब्द में आप उनकी बात को जो है रख रहे हैं। तो थैंक्स स्पेशल, मैं कहूंगी आज स्पेशल इनविटेशन था गायत्री मैम के लिए होस्टिंग का। सो थैंक यू सो मच गायत्री मैम। बिल्कुल दोस्तों, टॉपिक पर आते हैं, थोड़ा सा दो शब्द जरूर बोलूंगी। देखिए कंप्लेन बिल्कुल सही कहा, सब कुछ बता दिया उन्होंने। सबसे पहली बात होती है, देखिए कंप्लेन हम किससे करते हैं? शिकायत हमेशा, जैसे अभी बात भी हुई, अपनों से ही की जाती है। और अपने भी कौन,
अपने तो बहुत हैं, बहुत लोग अपने हैं, भाई हैं, बहन हैं, मम्मी पापा, रिश्तेदार, खाला खालू, अंकल आंटी, दुनिया भर के लोग अपने हैं। अपने भी वो जिन पे हम भरोसा करते हैं, उनसे हम अपनी बात कह सकते हैं, उनसे हम अपनी शिकायत कह सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब कोई हमसे शिकायत करता है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसको सुनना, उसको लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से आप उसकी बात को सुनिए, क्योंकि वो आप तक किसी उम्मीद से आया है, अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन लेकर आया है कि मैं इसके पास जाऊंगा तो ये मेरी बात का जरूर कोई ना कोई मुझे सॉल्यूशन देगा। तो हमेशा उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। ये मत बोलिए मेरे पास तो टाइम नहीं है, आज तो मैं बहुत बिजी हूँ। कई बार ऐसा भी होता है, कोई जितने हम भरोसा करते हैं ना वो भी कई बार बिजी होता है, ऐसा नहीं हम उसको गलत बोलेंगे, लेकिन हाँ कभी भी कोई भी आपके पास है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि अगर आपके पास कोई अपनी कंप्लेन लेकर आता है किसी भी तरह की, तो आप उसकी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। देन उसकी बात को बहुत इजीली लीजिए, कि जैसे उसको लगे कि अरे ये तो इतनी आसानी से ले रहा है, मैं इतना इसको लेकर के इतनी अग्रेसिव हो गई हूँ, इतनी टेंशन में आ गई हूँ, और ये कितना कूलली इसको बिहेव कर रहा है। आपके एक्सप्रेशन देख के ही वो आधा उसकी कंप्लेन खत्म हो जाएगी, आधा वो अपने आप को कूल फील करने लग जाएगा। देन रिकॉग्नाइज करिए कि उसका फ्रस्ट्रेशन किस बात पे हो रहा था, अंदर अंदर वो क्यों इस बात को लेके फ्रस्ट्रेट हो रही है या हो रहा है, या कोई किसी भी कंप्लेन को ले लिए, चाहे वो बच्चों की बात हो, कोई भी टॉपिक हो, मैं सारी उसमें नहीं जाऊंगी जिसमें आपको उसका सॉल्यूशन बताना चाह रही हूँ। उसकी बात को देखिए कि वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ उसको आ रहा है, अंडरस्टैंड कीजिए उसकी फीलिंग्स को। अगर वो आपके पास आया है तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सुन लिया ठीक है चल बाद में बताऊंगा, ऐसा नहीं करना है। अगर वो आपको पास आया है, आपको उसको टाइम देना है, उसकी बात को ध्यान से सुनना है, बहुत आसानी के साथ कूलली आपको उसको लेना है और उसको क्लैरिफाई करना है, उसको सॉल्यूशन देना है, उसको बताना है कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ है, देखो अगर तुम इस तरह से करोगे तो ऐसा नहीं। उसको सॉल्यूशन तो हम ही देंगे ना, जब वो हमारे पास आया है कोई कंप्लेन लेकर, फिर चाहे वो किसी भी की भी कंप्लेन हो। कंप्लेन आ गई, उसने आपको बात कही, उसमें कई बार क्या होता है दोस्तों, हम लोग गुस्सा हमें भी आ जाता है, यार ये तो हमारे पास हमेशा आ जाता है, अब हमें ये भी पता है कि हम इसको ना भी नहीं कर सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं करना है किसी भी तरह का, अरे तेरी ही गलती होगी, तू नहीं ऐसा किया होगा तभी तो उसने ऐसा बोला, ऐसा ही तो होता है ना, हम तो ऐसे ही सोच लेते हैं। लेकिन नहीं, अगर वो आपके पास आया है तो वो चाहता है कि आप उसी की बढ़ाई करें, आप उसी का सपोर्ट करें, आप उसी का साथ दें। तो ऐसा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि उसको बुरी बात लगे कि यार ये मैंने इससे क्यों कह दिया, अगर मैं इसके पास कंप्लेन लेकर आया हूं, उसको फील कराइए, अरे यार इतना अच्छा सब कुछ चला, कोई बात नहीं, चल सॉरी बोल देते, खत्म। इजीली अगर आप किसी चीज को बहुत ही स्मूथली लेते हैं, बहुत ही इजीली लेते हैं, और क्वेश्चन आंसर भी मत कीजिए, ऐसा क्यों हुआ, अच्छा उसने क्या कहा, तूने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं करना है, सिंपली उसकी बात को सुनना है, ध्यान देना है, उसको सॉल्यूशन देना है और उसकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। तो बहुत लंबा चौड़ा हम इसमें, क्योंकि जेपी सर ने सब कुछ बता दिया, सारा कुछ हो गया, तो मैं उन्हीं बातों को रिपीट नहीं करूंगी कि प्रिंसिपल हैं तो टीचर्स की कंप्लेन है, या बच्चे हैं तो पेरेंट्स की कंप्लेन है, पेरेंट्स से बच्चों की कंप्लेन है, मतलब हर रिश्ते में कंप्लेन आती ही आती है, चाहे हम घर से लेके शुरू करें, ऑफिस, ऑफिस से लेके घर, रास्ता, स्टाफ, जितना भी मैनेजमेंट है, कहीं भी होंगे, किसी भी फील्ड में होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आज के टाइम में ना कोई किसी से खुश नहीं है, कोई किसी की खुशी से भी खुश नहीं है, कोई किसी के गम से भी खुश नहीं है, मतलब हर हाल में लोग परेशान हैं कि ये खुश क्यों है और ये नाखुश क्यों है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का सबसे आसान तरीका है, लोगों को सॉल्यूशन दीजिए, उन्हें खुशियां दीजिए, आप उन्हें खुशियां देंगे, आप उनका सपोर्ट करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपके साथ उनकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। जरूरी नहीं है नई दिशा की बात कर रहे हैं हम एक सब कॉमन बात कर रहे हैं कि हमारा जो कॉमन माहौल है, लोगों को ऐसे लोगों के साथ बिहेव कीजिए वो आप पे भरोसा करने लगे, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि भरोसे के रिश्ते जो होते हैं वहीं पर आप कंप्लेंट्स आती हैं, वहीं पे सॉल्यूशंस भी मिलते हैं। इतना ही कहूंगी गायत्री मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। माइंड ब्लोइंग एक बात आपने बहुत अच्छी की कि जो कोई कंप्लेन कर रहा है ना हमको, वो हम पे भरोसा करता है तभी हमसे कंप्लेन करता है। तो भरोसा कभी किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, ट्रस्ट कहते हैं ना, भरोसा कभी किसी का तोड़ना नहीं चाहिए, और उनको इतने मतलब आसानी से उनकी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उनको सॉल्यूशन देना चाहिए। यही एक बहुत अच्छे से आप कर पा रहे हो, जो उसके पास भी कंप्लेन आ रही है ना, उनको बखूबी उनको हैंडल करना है, बखूबी हैंडल करना है। तो ऐसे ही हमारी शाहिन मैम है ना, बहुत माहिर है, बहुत अच्छे से
कोई भी टॉपिक है ना उसके ऊपर बहुत अच्छे से बोल सकती है मैम. थैंक यू सो मच. क्योंकि हर टॉपिक को आपने सब कुछ बोल दिया जब आपने शुरुआत की तो जो आपके वर्ड थे वही मेरे वर्ड थे और मेरे माइंड में भी थे कि बच्चों की कंप्लेन बड़ों की कंप्लेन. अब मैंने कहा वो सब तो ऑलरेडी हो चुका है तो कुछ थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए. सो दैट्स व्हाई आई एम चेंजिंग. थैंक यू सो मच जी. थैंक यू सो मच. देखिए मैं जनरल काउंसलर हूँ ना मैम तो वहाँ पहला प्रोटोकॉल क्या होता है कि भरोसा. कोई हमको अपनी प्रॉब्लम्स बताता है ना तो वो हमको जब हम काउंसलिंग करते हैं ना तो उनका भरोसा वो बातें हम तक ही रखते हैं किसी को पब्लिकली नहीं करते हैं तो ये ट्रस्ट होता है तभी वो कोई और उनको कंफर्टेबल फील करवाना पड़ता है. जब हम काउंसलिंग किसी का करते हैं ना तो एक दिन में वो अपनी बातें नहीं बोल देता है अपना प्रॉब्लम्स नहीं बताते हैं. धीरे 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 उनसे बातें करनी होती है फिर वो कहाँ अटक रहा है या अटक रही है वो हमको जानना होता है फिर उनका सॉल्यूशन निकालना होता है. तो वहां पेशेंस बहुत जरूरी होता है. कोई भी बात को अगर आपको सॉल्यूशन पे लाना है ना उसके लिए पेशेंसली सुनना समझना और उनका भरोसा है ना हमारे मतलब वो हम पे बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर पाए तभी हमको बहुत अच्छे से उनका हम है ना वो उनकी जो भी कंप्लेन होती है ना वो उनको अच्छे से हम उनका सॉल्यूशन दे पाते हैं. मैम थैंक यू सो मच आपका. अरे मैं अभी यहाँ हमारे एक बहुत प्यारे मेरे छोटे भाई है मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ. प्लीज मोस्ट वेलकम जयेश भट्ट सर जी आइए आपका स्वागत है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू गायत्री माँ मुझे इनवाइट करने के लिए. मेरी आवाज आ रही है? यस यस. वाओ थैंक यू हमारे नए विषय के हमारे मोदी साहब को मेरा नमस्कार और शाहीन हसन मैम को नमस्कार विकास सर को नमस्कार और आज के होस्ट गायत्री माता को नमस्कार और आज के हमारे प्रेजेंटर जेपी सर उसको नमस्कार. मैं जयेश भट्ट द्वारकापुरी गुजरात कृष्ण नगरी से बोल रहा हूँ और आज का हमारा प्रेजेंटेशन जेपी सर का वाव सुपर्ब सुपर्ब और आज का टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था कि शिकायतों को कैसे संभाले. यस शिकायतों तो बहुत होती है पर उसको कैसे संभाले उसके बारे में जो जेपी सर ने बताया ना बहुत ही जबरदस्त और आप बोले वो मेरे जैसे ही फास्ट फास्ट चलने वाले हैं जेबी और जेपी दोनों फास्ट ट्रेनी है और सुपर समझाया जेपी सर आपका माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन रहा रमेश की तरह. और आज का टॉपिक के ऊपर तो कोई भी बोलने के लिए तैयारी होगा क्योंकि शिकायत हर किसी को होती है और जैसे गायत्री माता ने बताया साइन मैम ने बताया और आपने बताया और हमारी सरकार ने बताया दो कहानी के माध्यम से तो आप सबको पता है कि मैं जहां बैठा हूं ना दोस्तों वो जॉब है ना वो शिकायत वाली है आप सभी को होती है. मैं पावर हाउस यानी कि बिजली विभाग में बैठा हूं तो यहां कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि आज आपने अच्छी बिजली दी है वो शिकायत ही करेगा कि आप आज आपने बिजली काटी है आज आपने क्या किया है आज मेरा ये प्रॉब्लम है. तो दोस्तों हमको उसको सुनना पड़ता है और उसको हम सॉल्यूशन लेके जाते हैं. तो ऐसे ही हर जगह हर प्रोफेशनल लाइफ होती है पर्सनल लाइफ होती है शिकायत तो होती ही है पर उसको हमको सॉल्यूशन लेके जाना पड़ता है तभी वो शिकायत को हम अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं. तो यही आज का टॉपिक था और बहुत ही अच्छा लगा. तो मैं भी मेरे जॉब में यही करता हूँ क्योंकि जो सामने वाला आता है वो परेशान भी होता है बिजली विभाग होता है तो बिजली कट होती है तो ऑफिशियली बिजली के बिना कुछ चलता ही नहीं है तो एक तो वो परेशानी होता है और शिकायत का लिस्ट लेके आता है तो हम उसको सुनते हैं फिर उसको हम बोले ना भरोसा हम भरोसा दिलाते हैं कि यस सर आपका काम हो जाएगा आज के दिन तो अभी हो जाएगा आधा घंटे में हो जाएगा ऐसे उसको हम दिलासा दे के यहाँ से वापिस भेजते हैं. तो ये तो मेरा रोज का प्रश्न है. तो थैंक यू गायत्री बा मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद धन्यवाद. देखिए जो शिकायत सुनते हैं ना उनको बहुत अच्छे से पता है कि शिकायत करने वाले को कैसे सुना जाता है क्योंकि वो हर रोज हैंडल कर रहे हैं. आप हर रोज हैंडल कर रहे हो ना शिकायतों को क्योंकि आपकी जॉब ऐसी है. तो वो हमेशा हर एक रिश्ते में
हम इंसान है तो इंसान को कोई ना कोई से कोई किसी ना किसी से तो शिकायत होती ही है, तो वो अच्छे से सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उनका सॉल्यूशन देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच जयस्पट सर जी, आप भी जेपी सर से ही जैसे ही हो सुपर फास्ट। थैंक यू सो मच, माइंड ब्लोइंग आपकी शेयरिंग रही। और मैं आगे एक हैंड राइज है, मैं उनको इनवाइट करना चाहती हूँ, धर्मेश सिंह सर, प्लीज मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। आपका कब से मैं हैंड राइज देख रही हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम धर्मेश सर। धर्म सिंह सर। मैम आवाज आ रही है बहन? यस सर, आ रही है आपकी आवाज। गायत्री बहन, आपने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नई दिशा परिवार के सभी भाई बहन सबको मैं सादर अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, हाउ टू हैंडल कंप्लेन। हर इंसान को किसी न किसी चीज से शिकायत रहती है। शिकायत का सही मतलब है खोट या फिर कमी से, यानी कि हमें हर चीज में कुछ ना कुछ खोट नजर आ ही जाती है। कहने का मतलब है हम खुद को किसी चीज से या फिर किसी व्यक्ति से संतुष्ट ही नहीं कर पाते। हमारी शिकायत अक्सर ऐसी होती है जैसे ये चीज ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होनी चाहिए या होनी चाहिए थी, फलाने व्यक्ति को ऐसा नहीं बल्कि ऐसा करना चाहिए था, खाने में ये नहीं ये बनाना चाहिए था, ऐसी दुनिया भर की शिकायतें या फिर हम अपने मन में लेकर चलते हैं। जब बात बात पर शिकायत करते हैं या फिर कमियां निकालते रहते हैं तो हमारा यह रवैया हमारी हेल्थ, रिश्तों और हमारी पर्सनालिटी पर नेगेटिव असर डालता है। शिकायत करने से भले ही हमारे मन का बोझ कम हो जाता है, लेकिन शोध कहते हैं कि शिकायत करने से मिलने वाली शांति को थोड़ी ही देर की होती है। शिकायतें करना हमारे और सुनने वाले दोनों के मूड पर बुरा असर डालता है, ये दिल और दिमाग दोनों को नुकसान पहुंचाता है। थैंक यू गायत्री बहन, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत अच्छी सीख दी कि शिकायत करने से हेल्थ बिगड़ती है। यस डेफिनेटली, हमेशा शिकायत, हर चीज में शिकायत करने से हमारा कहते हैं ना मन मस्तिष्क पे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। शिकायत छोटी छोटी चीज को, ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, इससे हमारा जो माइंड है ना वो हमको फोकस नहीं करने देता है कुछ काम करने के लिए, तो हमारा खुद का वक्त भी बर्बाद होता है और हम किसी को कंप्लेन करते हैं ना तो उनका वक्त भी बर्बाद करते हैं। ये मतलब अननेसेसरी शिकायत की बात मैं कर रही हूँ, जो नेसेसरी शिकायत है, जो जेन्युइन है, उनको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उनका सॉल्यूशन भी होता है। लेकिन छोटी छोटी चीज कि पत्थर रास्ते में क्यों आया, अरे भाई तू देख के नहीं चल सकता है कि पत्थर को क्यों शिकायत कर रहा है, तुझे देख के चलना है कि पत्थर है तो तू साइड में से निकल, कहने का मेरा एक एग्जाम्पल है। तो वहां हम हमारा आपा खो देते हैं और हमारी हेल्थ पे बहुत असर आता है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमको इतना भी नहीं लेना चाहिए माइंड पे, तो धन्यवाद सर। तो अभी मैं हमारी एक बहुत प्यारी मैम है, हर रोज उनकी मैं शेयरिंग सुनती हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी शेयरिंग, और आज मुझे मौका मिला है उनको इनवाइट करने का, तो प्लीज मोस्ट वेलकम पूनम सिंह मैम, आइए आपका स्वागत है, आप बहुत अच्छा बोलती हो, वेलकम मैम। पारुल पारुल मम्मी पारुल
पारुल सिंह। ओके ओके, थैंक यू मैम, और मुझे सादर सहित इनवाइट किया। और पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ गायत्री मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर है। और मैं यहाँ नई दिशा फैमिली को, जितने भी होस्ट को, होस्ट पैनलिस्ट अटेंडिस सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज का प्रेजेंटेशन हमारे जेपी सर ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे तरीके से ज्ञान मतलब बारीकी से समझाया, बहुत अच्छा लगा। और हमारी संपा मैम की शेयरिंग तो हमेशा ही बहुत सुंदर रहती है, और हमारी साइन मैम सबकी शेयरिंग, हमारी साइन मैम को तो कहते हैं कि उनके पास तो हर टॉपिक का सलूशन हमेशा रहता है, उनको ना सीखने की जरूरत है ना कुछ पढ़ने की जरूरत है, और उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू मैम, और आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, शिकायतों को कैसे संभालें। कहते हैं ना, शिकायत करने वाले के लिए तो चांद में भी दाग नजर आता है। दरअसल हम ऐसे दिमाग के साथ पैदा हुए हैं जिनका नकारात्मक काफी सक्रिय होता है। हम अपने आसपास की सभी चीजों पर ध्यान देने की वजह उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो सही नहीं चल रहा होता। धीरे धीरे ये हमारी आदत भी बन जाती है और हमारे सोचने का नजरिया नकारात्मक हो जाता है। शिकायत करने से हम अपना वक्त और एनर्जी दोनों वेस्ट करते हैं और कुछ हासिल भी नहीं होता। जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपनी नकारात्मकता और हताशा दूसरों के साथ शेयर करते हैं जो उनको भी वो प्रभावित कर सकता है। इसलिए जैसे हम खुश रहने के लिए मेहनत करते हैं, वैसे ही हमें अपनी समस्याएं हल करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और शिकायत नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय हमें अपने मुद्दों को हल करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। हम अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन शिकायत करने की जगह हमें अपनी समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा कारण, खुद की जिम्मेदारी लेने में असमर्थ भी हो सकता है। ऐसे कई अलग अलग कारण हैं। कोई व्यक्ति बिना कोई सार्थक कार्रवाई किए लगातार चीजों के बारे में शिकायत ही करता रहता है। कहते हैं ना, हम जैसा विचार करते हैं हम उसी तरह बन जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हमारा आचरण होता है। ये हम पर ही निर्भर करता है कि हम अपने मस्तिष्क में कौन सा बीज बोते हैं। सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति गुलाब के पेड़ में भी कांटे को नहीं बल्कि उसमें निकले गुलाब को देखता है। यदि आप सकारात्मक विचार रखते हैं और लगातार अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं, अतः आप अपनी सभी समस्याओं को दूर करने लगेंगे कर पाएंगे सॉरी आप सकारात्मक नजरिया और पॉजिटिव विचार आपको खुशियों की ओर ले जाएगा। शिकायतों तो बहुत है जीवन में, जो जीना जानते हैं वो शिकायत कभी नहीं करते। सो थैंक यू गायत्री मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, ओवर टू मैम। वाओ, माइंड ब्लोइंग मैम, जैसी सोच। कहते हैं ना कि जैसा हमारा नजरिया, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कहते हैं ना जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हम जैसा देखते हैं वैसा हम सोचते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा आपने शेयरिंग दिया पारुल मैम, बहुत। मैं हमेशा सुनती हूँ मैम, थैंक यू। मैं हमेशा आपको सुनती हूँ और फिर मैं सोचती हूँ कि ये होती है शेयरिंग, माइंड ब्लोइंग। कम शब्दों में पूरा सार कह देना कि शिकायत तो चांद से भी है कि उसमें भी दाग है, देखने वाले का नजरिया है ना। तो हमेशा हमारी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव जो जो मेरा ये कहना है इसके ऊपर कि जिसके पास सफिशियंट नॉलेज भी नहीं होती है ना, उसको वो भी शिकायत करते हैं। हमारे ऑन पैसिव में ऐसी शिकायत ज्यादा है क्योंकि नॉलेज सफिशियंट नहीं है तो वो शिकायत करते हैं। तो नेगेटिविटी से वो प्रभावित हो जाते हैं बहुत बार। तो आपने बहुत सही बोला कि हम पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो कभी भी किसी के ऊपर हमारी शिकायत नहीं रहेगी। लेकिन हमारी सोच अगर नेगेटिव होगी तो हमसे सभी से शिकायत होगी। तो थैंक यू सो मच। मैं अभी आगे बढ़ती हूँ, हमारा वक्त भी हो चुका है और जिसको भी मैं इनवाइट करूँगी तो कम शब्दों में अपनी बातें रखना। तो मैम मैं आपको इनवाइट करती हूँ, रेनू बंसल मैम, प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच गायत्री मैम बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
और सभी ने बहुत प्यारी शेयरिंग की है और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रेनू बंसल टीम चैंपियन निपसा के प्लेटफॉर्म पर सभी का प्रणाम प्रणाम करती हूँ, वेलकम करती हूँ। आज का बहुत सुंदर टॉपिक था और सभी ने बहुत अच्छा सा बोला है। जेपी सर ने तो बहुत ही प्यारा बोला, साहिन मैम, पारुल मैम, कंपा मैम, सभी लोग बहुत अच्छा बोल के गए हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलने को कुछ रहा तो नहीं है, सभी ने बहुत अच्छी प्यारी शेयरिंग की है। शिकायत, शिकायत जीवन भर रहती है, कभी अपनों से तो कभी अपनों को खुद से, शिकायतें दूर नहीं होती। कभी कभार क्या होता है, कोई शिकायत लेके आता है तो उसको पहले समझो। अभी जेपी सर ने और बताया था, संपा मैम ने बताया था कि पहले समझो, सुनो, फिर कोई फैसला लो। क्योंकि शिकायत को पहले, बिल्कुल सही बात है कि सुनना चाहिए, समझना चाहिए, फिर तब कोई फैसला लेना चाहिए। क्योंकि उस टाइम न्यायाधीश आप रहते हो, आपको फैसला करना है कि आपने क्या सुना, क्या समझा और उसको क्या निर्णय लिया। कभी कभी क्या होता है कि घर में बहुत सारी शिकायतें रहती हैं, हस्बैंड की रहती हैं, बच्चों की रहती हैं, तो हम शिकायतें सुनते हैं तो उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, कबूल करना चाहिए कि हाँ हमारी गलती हुई, ठीक है मान लेते हैं। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम, मतलब दूसरों से गलती होती है तो हमारी शिकायतें होती हैं, जब हम शिकायत करते हैं तो वो नहीं सुनी जाती, तो एक टाइम वो आता है कि हम शिकायतें करते 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 हम थक जाते हैं। जब सुनी नहीं जाती तो इंसान क्या करेगा, हारेगा ना, तो वो चुप हो जाता है एक टाइम के लिए, फिर वो शिकायत नहीं करता किसी से। तो ये बात बिल्कुल सही है, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं लोग, सुख में तो याद नहीं करते लेकिन दुख जैसे ही आता है तो भगवान को भी शिकायत करते हैं, अरे तुमने ऐसा क्यों कर दिया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, अब ऐसा क्यों कर दिया तुमने। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम, बहुत अच्छा आज का सेशन रहा और सभी ने बहुत प्यारी शेयरिंग की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत प्यारी आपने शेयरिंग दी कम शब्दों में कि शिकायत हम करते हैं लेकिन करते करते थक जाते हैं, सुनी नहीं जाती है, तो हम एक वक्त आता है कि हम चुप हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि पत्थर पे सिर मारना है ना, वो भी व्यर्थ हो जाता है कभी कभी हमारी लाइफ में, है ना, कि सुनते ही नहीं है हमारी शिकायत, अगर हमारी शिकायत वाजिबी है फिर भी नहीं सुनी जाती है तो उनका मोटिवेशन है ना टूट जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जिसके पास हम शिकायत लेके जाते हैं ना तो उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, उनको बहुत अच्छे से उनका सॉल्यूशन लेके आना चाहिए, है ना। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली, थैंक यू मैम। अभी मैं थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी मैं शशिकांत सक्सेना सर को मैं इनवाइट करती हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम सर, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पूरी नई दिशा फैमिली को धन्यवाद करना चाहूंगा, जो आज इतना अच्छा टॉपिक मिला है हम लोगों को कि हाउ टू हैंडल कंप्लेंट्स। देखिए मैम, मेरा मानना यह है कि हर आदमी को अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स रहती हैं, कभी किसी से कभी किसी से, लेकिन अगर आदमी पॉजिटिव वे में चले तो, और अपने जो भी वो काम कर रहा है या जिस चीज के लिए शिकायत हो रही है अगर वो पॉजिटिव वे में चलेगा तो वो खुद ही उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है, दूसरे को, मतलब दूसरे से शिकायत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर वो शिकायत कर भी रहा है तो पहले वो खुद ये चीज सोचे कि अगर मैं ये शिकायत कर रहा हूँ तो वो जेन्युइन है कि नहीं, और यदि वो जेन्युइन है तो जो शिकायत सुन रहा है वो उस चीज को टाले नहीं और उस शिकायत का सॉल्यूशन ऐसा दे कि, मतलब उसको एकदम जेन्युइन सॉल्यूशन दे जिससे वो भटके नहीं इधर उधर। पता चला बहुत से लोग क्या होते हैं कि अब किसी ने कोई कंप्लेन करी तो उसको इधर उधर भटका दिया कि मतलब अपनी बला टली, तो हम लोगों को बला नहीं टालना है, उसको सॉल्यूशन देना है जिससे उसका काम भी सार्थक हो। जैसे कि अगर हम लोग अपने काम में ही इंगेज रहें तो देखिए, जैसे कि आज अपने ऑन पैसिव को लेके एस सर सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, अगर हम लोग इंगेज बने रहें तो हम लोगों की जो ये आज ये प्रॉब्लम्स जो लोग कह रहे हैं ना कि ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ये हम लोगों की प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी,
ना हम लोग किसी से पूछने के लिए रहेंगे, क्योंकि हम लोग खुद समझेंगे। तो बस मैम मैं इतना ही कहना चाहूंगा, तो थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू गायत्री मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि कोई आपसे शिकायत करता है ना, तो उनको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। अगर आपके पास वैल्यूबल उनका आंसर है तो ही उनको देना चाहिए, वरना उनको दिशाहीन मतलब दिशा भटकाना नहीं चाहिए। अगर आपके पास उनका सॉल्यूशन नहीं है तो उनको सही राह दिखा दो कि देखिए मेरे पास तेरे तू मुझ मेरे पास कंप्लेंट लेके आया है, लेकिन आपका जो कंप्लेंट है ना वो उनका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो ये व्यक्ति के पास जा तो तेरा सॉल्यूशन वहां आ जाएगा। तो हमको सही राह दिखा देनी चाहिए हमेशा। तो आज हम ऑन पैसिव में है ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमारे पास आंसर नहीं होता है लेकिन हम क्या करते हैं, टाल मटोल करके उनको गोल गोल घुमा देते हैं और सही आंसर उनको नहीं देते हैं, और फिर वो कंफ्यूज हो जाता है व्यक्ति जो हमसे शिकायत लेके कि मैम मेरे साथ ये हो रहा है, मैम मेरे साथ वो हो रहा है। तो देखिए हमेशा मेरे पास भी कंप्लेन आती है, देखिए एक हमारी वैल्यू बन जाती है ना तो हमारे पास भी कंप्लेन आती है। तो टेक्निकल जब भी मेरे पास कंप्लेन आती है ना तो मैं बोल देती हूँ कि मैं टेक्निकल पर्सन नहीं हूँ, तो मेरे पास आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं है, आपको कहाँ जाना है, टेक्निकल पर्सन के पास जाना है, तभी आपको सही आपका जो आप प्रॉब्लम से जूझ रहे हो ना वो आंसर आपको मिलेगा। तो हमेशा हमको सही राह दिखानी है, किसी को राह भटकानी नहीं है। आपके आपका क्वेश्चन बहुत सही था सर, तो थैंक यू सो मच। अभी लास्ट में हमारे विकास सर को इनवाइट करती हूँ, क्योंकि विकास सर है ना वो बहुत कहते हैं ना शब्दों के धनी है उनके पास, क्योंकि वो प्रोफेसर है ना, अपनी बात इतने अच्छे से रखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं उनसे। मैंने फर्स्ट मैंने उनको इनवाइट किया था लेकिन शायद उनका कुछ नेटवर्क होगा तो वो नहीं जुड़ पाए थे, तो अभी वो कंफर्टेबल है ना तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ। प्लीज वेलकम है सर आपका, आइए फाइंड अप की ओर लेके चलेंगे। ओके मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। ओके थैंक यू सो मच गायत्री मैम, आपने इनवाइट किया था, उस समय तकनीकी कुछ खामी रही होगी, नहीं आपकी वॉइस सुन पाए प्रॉपर, और टॉपिक बहुत अच्छा है, सारगर्भित है और अनुकरणीय है, बहुत ज्ञानवर्धक बातें भी हुई हैं। और देखा जाए, देखिए सिंपल सी बात है, हम मानव है और जाहिर सी बात है, स्वाभाविक है ये कि हम शिकायतकर्ता भी कभी कभी बनते हैं और शिकायत सुनने वाला भी बनते हैं। तो अब कुल मिला के इन दोनों के बीच में एक चीज जरूर आ जाती है कि हमें कैपेबल जरूर बनना होगा। कैपेबल से आशय है कि आपको एक बेहतर और एक अच्छा इंसान जरूर बनना होगा। जब आप बेहतर एक अच्छा इंसान बने रहेंगे तो जो आपकी जो शिकायत है वो मानी जाएगी, वो समझी जाएगी, उसका भाव देखा जाएगा। और अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो जो भी सामने वाला आपसे शिकायत कर रहा है उसको अच्छे भाव से आप समझ पाएंगे और उसका निपटारा कर पाएंगे। तो जीवन है, बहुत सारी शिकायतें बनी रहती हैं अपनों से, जैसा कि सभी लोग सब कुछ अपने वक्तव्य में कह चुके हैं, शिकायतें स्वाभाविक है। और कभी कभी होता है कि हम जीवन है, उतार चढ़ाव का भी दौर आता है, तो अपने जीवन के जो संघर्ष होते हैं उससे भी हम ऊब जाते हैं, उससे भी शिकायत करने लगते हैं। लेकिन कुल मिला के अगर नजरिया अगर देखा जाए तो यहाँ पॉजिटिव रहना का है। कोई भी हालात हो, देखिए प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशंस नहीं होता है, हाँ बेस्ट सॉल्यूशंस जरूर होता है। और ये प्रॉब्लम्स ही नहीं रहेंगी या ये स्ट्रगल ही नहीं रहेंगे तो ये हमारा जीवन जिसमें रस बिल्कुल नहीं रह जाएगा, ना हम जागृत रह पाएंगे। हमने कई बार देखा, हम सभी जानते हैं इस बात को कि कई बार अति शांति में भी लोग उब जाते हैं, अति सुख आदमी को मदहोश बना देता है, या बहुत सारी संपत्ति भी विपत्ति का दूसरा नाम होती है। दुख हमें क्या जगाए रहता है, विपत्ति या प्रतिकूलताएं जो जीवन में आती हैं ये हमें जागृत रखती हैं, वरना सुख और अनुकूलता सुविधाएं बहुत संभव है कि हमें सुला भी दें। और इसलिए सुख की निरंतरता में जागते रहना मुश्किल काम है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं गुलाब के साथ कांटा
बेटा रहता है वो प्रकृति के द्वारा गुलाब के लिए जीवन में जितनी भी हमारे पास विपत्ति आती है, दुख आते हैं या प्रतिकूलताएं आती हैं, ये हमारी खुद की सुरक्षा के लिए ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। तो इसलिए शिकायत मत करो, हवा का रुख चाहे जैसा भी हो, लेकिन नौका अगर हम उस दिशा में ले जाएंगे जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली हम ले जाएंगे। हमें यहाँ पॉजिटिव रहना है, हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते, हम गर्मी को आने से नहीं बदल सकते, हाँ पंखे लगा सकते हैं, एसी लगा सकते हैं, हम वर्षा को आने से नहीं रोक सकते, हाँ हम छाता लेकर बाहर निकल सकते हैं, रेनकोट लेकर बाहर निकल रह सकते हैं, हम पूरी धरती को कांटो रहित नहीं कर सकते लेकिन हाँ जूते पहनकर निकल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सोचना है, समस्या है तो उसका समाधान भी, और हमने देखा है कि भूख हमको बाद में लगती है, पहले से तैयार होता है, और प्यास को शांत करने के लिए निश्चित ही ईश्वर ने हमको पानी भी दिया है। तो डेफिनेटली इन चीजों को हमें ध्यान देना है, हर समस्या अपने गर्भ में समाधान को लिए रहती है, बस थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, और जब हम धैर्य रख लेते हैं तो उस समस्या के अंदर ही हमें समाधान मिलता है। और हर समस्या के लिए शिकायत तो हम बहुत करते हैं किंतु समाधान के स्वीकार के लिए तैयार नहीं देखते, ये बहुत जरूरी चीज है। या क्या हमें समाधान की प्यास है, क्या हम समाधान चाहते हैं? अगर ये बातें हैं तो सच मानिए समस्या ही समाधान देगी। समस्या पर ठीक से चिंतन करना होगा, चिंता में नहीं पड़ना होगा, थोड़ा सा खुले मन, थोड़े से धैर्य, थोड़े से समर्पण, थोड़े से त्याग को करने की यहाँ पर आवश्यकता है। हम अगर भाग्यवादी बन के रहेंगे तो वो भी कोई उपाय नहीं है। ईश्वर ने बुद्धि दी है, हृदय जैसा एक बहुत खूबसूरत चीज दी है, तो इसका हमें सदुपयोग करना है, सही कर्म करना है, सही रास्ते में चलना है। ईश्वर हमारी निश्चित मदद करेगा, हमें कर्म करना है, हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जिन लोगों ने भी ऊंचाइयां छुई हैं उनके पीछे उनकी मेहनत, उनका पुरुषार्थ ही है। तो इसलिए मेरा तो ऐसा ही मानना है कि कहते ना कि पहले कर्तव्य करो फिर अधिकार मांगो, ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं भी एक प्रोफेशन में हूँ, शिकायतें सुनता भी हूँ, शिकायतें करने के लिए वो बात अलग है कि कुछ कम लोग हैं, लेकिन हाँ ये दोनों चीजें हैं। लेकिन मेरा दोनों चीजों में आकलन यही होता है कि पहले कर्तव्य करिए फिर अधिकार मांगिए। अगर आपके कर्तव्य सही है तो आपकी शिकायत सुनी जाएगी। अगर आप शिकायत को निपटा रहे हैं तो देखिए कि उस व्यक्ति ने प्रॉपर वो कर्तव्य किए हैं, तभी आप उसका निपटारा करिए। तो बहुत सारी गुण बातें हैं, इनको हमें समझना है, और जब हम सभी समझ पाएंगे या आप बेहतर एक अच्छे इंसान बने रहना पसंद करेंगे। तो थैंक यू गायत्री मैम, इतना ही कहना चाहूंगा। बैक टू यू। ये होती है पूरा सारांश। आज का जो टॉपिक था उसका पूरा सारांश आपने बताया कि बस मैं हमेशा कहती हूँ ना कि आप अपने आप को पहचानिए, आपके गुण अवगुण को पहचानिए, आप पे विश्वास करिए, है ना, अपनी पर्सनालिटी पे काम करिए, आप सीखने का प्रयास करिए। सिखाने का प्रयास तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन पहले सीखने का प्रयास करिए, सुनने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए। तो ये सब कुछ चीज हम अपने आप में डेवलप करना जब शुरू कर देंगे ना, तो सभी से शिकायत कम हो जाएगी, सभी से, चाहे वो फैमिली से हो या किसी और से हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो। हम खुद में बदलाव कर देंगे, खुद में सुधार कर लेंगे, तो हमसे किसी को शिकायत होगी नहीं और किसी से हमको शिकायत नहीं होगी और हमको किसी से शिकायत नहीं होगी। हाँ, एक समाज में किसी से किसी की शिकायत होती है ना, तो वो हमारे मतलब हम समाज से शिकायत करते हैं कि समाज को ये करना चाहिए, वो करना, ये हमारे बस में, मतलब वो हैंडल समाज ही करता है और सबको सुनता है, फिर वो सॉल्यूशन निकालता है। हमारी एक की कंप्लेंट के ऊपर वो जजमेंट नहीं देता है। तो ऑन पैसे में एक व्यक्ति की अगर शिकायत है और यही सेम शिकायत 10 लोगों की है या 20 लोगों की है या 25 लोगों की है, तब वो लोग सोचते हैं कि सेम कंप्लेन आ रही है तो क्यों आ रही है। अगर एक ही की कंप्लेन है ना, तो हमको अगर कहीं हम तो गलत नहीं है ना, वो हमको सोचना चाहिए, हम तो कहीं गलत नहीं जा रहे हैं ना। और एक ही प्रॉब्लम 10 लोगों को आ रही है, 15 लोगों को आ रही है, तो कहीं ना कहीं उस पे कंपनी सोचती है, कोई और, मतलब वो थर्ड पार्टी हो गई, वो सोचती है। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से आज की जो टॉपिक था, हमारे जेपी सर ने तो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया ही था, और
उनपे सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और आज मुझे बहुत सारा बोलने का मौका मिला, क्योंकि जब होस्टिंग करते हैं ना तो हमारे मन की बात होती है या हमारे विचार होते हैं या उनके फीडबैक होते हैं। देखिए साथ में कैसे किसने क्या बोला वो अच्छे से सुनना बहुत जरूरी होता है, फिर उन पे फीडबैक देने का मौका मिलता है और अपनी बात रखने का भी मौका मिलता है। तो होस्टिंग अगर जब भी करनी है ना तो होस्टिंग कैसे करनी है ना, तो ये तो हमको साहिन मैम से सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत माइंड ब्लोइंग होस्टिंग करती है। तो मैं भी कुछ कुछ सीख रही हूँ उनसे और करने का प्रयास कर रही हूँ। तो किसी और को अगर कुछ बोलना है तो 2 मिनट के लिए बोल सकते हैं, फिर अगर किसी का कुछ बोलने का नहीं है तो हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेके चलते हैं। तो अगर किसी को बोलना है तो मैं बोलूंगी। यस थैंक यू सो मच। और ऐसा कुछ नहीं है, हम आप लोगों से सीखते हैं और मुझे भी ऐसा कुछ नहीं है, तो कोई परफेक्शन नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं यहाँ रहते रहते वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। हर टॉपिक के लिए देखिए मुझे भी पढ़ना पड़ता है, मुझे भी सोचना पड़ता है कि मुझे इस पे क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, और क्योंकि पॉइंट्स इतने सारे होते हैं उनको कैसे उनमें से जो आपने बोल दिया मुझे वो छांटने हैं, और वो एट अ टाइम करना होता है। प्रेजेंटेशन हो दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट द थिंग इज जब आप इस अपनी शेयरिंग रखते हो तो आपको बहुत कुछ सोच समझ के बात करनी पड़ती है। तो आपकी होस्टिंग तो थी ही जबरदस्त और पारुल मैम की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी मुझे एज यूजुअल। विकास सर बहुत ही प्यारा पॉइंट रखा विकास सर ने एक, मुझे जो बहुत अच्छा लगा, जहाँ गुलाब है वहां कांटे भी हैं, तो मतलब दोनों चीजों को बैलेंस करके जो विकास सर ने बात कही है वो बहुत अच्छी थी। और बाकी इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म के लिए और आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स कहूंगी सभी को, लेकिन स्पेशल थैंक्स रहेगा डॉक्टर इदरीस मोदी के लिए जिन्होंने हमें इतना प्यारा मंच दिया, एक दूसरे को बात रखने का मौका दिया, और मतलब बात भी क्या वो बात जो हमारे दिलों की है और वही कहीं ना कहीं हमें हमारा डेवलपमेंट कर रही है, वही हमारे अंदर से निकल के बाहर आ रही है और उन्हीं को हम डेवलप कर पा रहे हैं अपने अंदर के चीजों को, कि हमें ये कहाँ हमारा जो माइंड सेट है वो कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जैसे भी बहुत सारे लोगों ने बात की तो मैं सबको सुन रही थी। तो बहुत अच्छा लगता है कि देखिए इस पे प्लेटफॉर्म पर आ करके लोग सुन रहे हैं और आखिर तक लोग बने हुए हैं यहाँ, कितनी अच्छी बात है। जितने लोग स्टार्टिंग से हैं, कुछ लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, डजंट मैटर, बट स्टिल यहाँ पर अगर अभी भी इतने लोग हैं तो मैं समझती हूँ प्लेटफॉर्म रन कर रहा है। और अगर आप 1000 लोग आप लोगों को सुन रहे हैं, अगर वीडियो 1000 भी चल रहा है तो आप सोचिए 1000 लोगों ने आपको इसके बाद सुना है, एक एक पॉइंट नोट किया जाता है। और अगर आपको याद हो दोस्तों नीरज दलवी सर ने कहा था जब मोदी सर का उन्होंने एक वो जब उसने प्रोग्राम रखा था संडे में, तो उन्होंने कहा था कि मैं नई दिशा में जाता तो नहीं हूँ लेकिन मैं यूट्यूब पे जरूर सुनता हूँ। तो इट मींस आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग आपको यहाँ भले ही नहीं आ रहे लेकिन वो आपको नोट कर रहे हैं, वो आपके ऊपर उनका फोकस है कि नई दिशा में हो क्या रहा है ना। आप ये चीज समझिए कि अगर लोग हमें सुन रहे हैं तो हमें अपने अंदर परफेक्शन लाना है और हम परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द परफेक्शन, क्योंकि विकास सर हमेशा कहते हैं नई दिशा बना ही इसलिए कि हम परफेक्शन की तरफ जाए। या जेपी सर भी यही कहते हैं कि नई दिशा ही एक ऐसा मंच है जहां आप आकर के अपने आप को परफेक्शन की तरफ ले जा सकते हैं या परफेक्ट आप बन सकते हैं यहां पर आकर के। देखिए नोबडी इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड बट वी आर ट्राइंग टू डू, हम कोशिश तो कर सकते हैं, वही कोशिश हमारी यहाँ जारी है। थैंक यू डॉक्टर इदरीस मोदी सर, दिल से उनका बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू सो मच जितने भी लोग यहाँ पर इस वक्त अभी तक मौजूद है। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय मैम। Yes, so in a few minutes. Thank you so much, ma'am. Mind blowing. कहते हैं ना करत करत अभ्यास, हमेशा करत करत अभ्यास। एक दिन परफेक्ट होते हैं लेकिन एक दिन में परफेक्शन नहीं आता है, हमको इसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, कोई भी टॉपिक हो वो पढ़ना पड़ता है, इसके अकॉर्डिंग हमको क्या बोलना है तो ये समझना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच मैम। और वाइंड अप की ओर मैम आप लेके चलोगे या मैं सबको? बिल्कुल, बस अब 8:10 हो गए, इनफैक्ट ऑलरेडी लेट हो चुका है सेशन, बट यस मैम, यस आप कर सकती हैं। We are so in it to win it. Thank you. We are so in it to win it.